हिमांशु ने बताया, मैं अरिजीत से 2007 से 8 में मिला था, जब वो अभी अभी मुंबई आया था। मैं उस समय पहले से ही एक सफल फिल्म अभिनेता था। वो फिल्म के सेट या स्टूडियो में नौकरी की तलाश में आया था। हमने एक चैट की और अच्छी तरह से बंधे। वो एक महान संगीतकार थे। मुझे उनकी कुछ धुनों की सराहना करना याद है। यह एक यादगार कलाकार के साथ एक शानदार शाम थी। मैं शायद एक फ्लिक का प्रचार कर रहा था। हमने अपनी गायन रात को संजोया। वह तब एक प्रसिद्ध गायक बन गया। लोगों का मानना कि अरिजीत बहुत अधिक धुन नहीं गाता है और व्यवहारिक रूप से हर अनुरोध को अस्वीकार कर देता है। फिर भी मैंने अनिच्छा से संगीत को उनके प्रबंधन को भेज दिया। मैंने उन्हें अपने अतीत की याद दिलाने के लिए अपना एक संक्षिप्त इतिहास भी भेजा। मैंने उनसे घंटों के भीतर सुना। वो गाने के लिए तैयार हो गई है। यह प्यार और रिश्तों की सूक्ष्मताओं पर ध्यान है। यह एक बुनियादी प्रेम कहानी भी है। राम और सीता ने अपने वनवास के पहले वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। अन्य स्रोतों में कहा जाता है कि वे हमेशा के लिए खुशी से रहते थे। उनके अपहरण ने उन्हें अलग कर दिया। अयोध्या में पुत्र, शासक और भाई के रूप में बंधे, वे चित्रकूट से ज्यादा खुश कभी नहीं थे। इस जीवन और प्रेम रूपक ने फिल्म का आधार बनाया।